सोनम जी को आप राजस्थान की एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, और मैं जिस सोनम से मिला था पहली बार म्यूजिक देख रहा हूँ, वो सोनम एक बिल्कुल सीधी साधी बोली वाली टॉक के अंदर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मिली थी और मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। हाँ सोनम बिल्कुल, तो मैं इन्हें बोलो कि कभी जयपुर में हो लू, मैं आप जयपुर में कराना जयपुर में बिल्कुल फैमिली मेंबर है सोनम गुजर जी, इनके मम्मी जी से हमारा बहुत अच्छा, घर पे भी गए बहुत अच्छे, आज भगवान ने इनको इतना बेहतरीन कलाकार और अपने काम को दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे हीरा भाई आगे से आगे करते जा रहे हैं, तो ये वो कलाकार हैं जो जमीन से उठकर मेहनत कर रहे हैं। तो इनको बता दीजिए, इसलिए मैं अच्छा बोलता हूँ, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैं छोटी सी आर्टिस्ट थी, छोटी सी कलाकार थी, छोटा सा गाँव है टोंक, वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं, प्रॉपर मेरा गाँव टोंक है और वहीं से हूँ, और मुझके मिले थे मुंडे, हाँ वहीं पर ही मिले थे, एक प्रोग्राम था हमारा, तो शुरू शुरू में जैसे गाना ये नाग लपेटा वगैरह, ये मेरे को नहीं पता कि नाग लपेटा कैसा होता है, पिता जी महाराज के मंदिर में मिले थे सही पत्थर, और नगर नैनवा साइड में प्रोग्राम था देखो वहाँ मिले, तेजाजी महाराज का मंदिर उदिन मिला था, और आज भी तेजाजी महाराज और आप ही भक्तों का सभी का आशीर्वाद है। सो मेरे कृष्ण भगवान का सॉन्ग बहुत ही प्यारा आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चला रहा मेरा मार्केट में, बिल्कुल छोटा सा नाम हो गया, सो इसलिए मैं आपके बीच में हूँ, और काफी साल बाद में आज हम रूबरू हुए, काफी साल हो गए, कुछ भी नहीं बदले, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं बदले, पर थोड़े से बूढ़े हो गए, एक बार बदलिए ताली क्योंकि वो जल रहे थोड़े कुछ, देखो एज के हिसाब से हो ही जाता है, मैं भी बिल्कुल पतली सी दुबली सी इतनी सी, तो कहते हैं